कहावत तो सुनी होगी कि विनाश काली विपरीत बुद्धि और जिस प्रदेश को नशा मुक्त करने की सपने मामा शिवराज देख रहे हैं उस मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बनाने की उनके ही अधिकारी साजिश रच रहे हैं। अब जिले में चल रही गतिविधियों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। चलिए जरा आपको विस्तार से बताता है। कुछ दिनों पहले राजधानी लाइव ने आपके सामने वो तस्वीरें पेश की थी जिसमें मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात शराब जा रही थी। आज भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां बीती रात लाखों की हजारों लीटर अवैध शराब से लदा ट्रक MH46KF0785 को धार पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दबोचा गया। गुजरात के रास्ते जा रहा ट्रक के अंदर जुगाड़ू टेक्निक का इस्तेमाल कर छुपा कर शराब ले जाई जा रही थी जिसने सभी के होश तोड़ा दिए। साथ ही अंदर यह चर्चा भी है कि इसके अलावा भी कुछ ट्रक गुजरात की ओर निकल चुके हैं, लेकिन विभाग में बैठे लोगों के लिए कुछ भी गंभीर नहीं है। देखा जाए तो विभाग के अधिकारी ही विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं के दोषी हैं, क्योंकि एक अरसे पहले विभाग में तो मिस्टर एंड मिसेस रस्तोगी के नाम का ग्रहण लग चुका है। बीए पास रस्तोगी मैडम ने आज विभाग को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां अपात्र अधिकारियों को तो बड़े बड़े पदों से नवाजा गया है, लेकिन पात्र अधिकारियों को या तो निलंबित कर दिया जाता है या फिर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी के मामले सामने आए हैं और कारण जानना चाहें तो कारण सिर्फ एक। डीसी संजय तिवारी, एसी यशवंत धनोरा, राजनारायण सोनी, संजीव दुबे, सत्यनारायण दुबे, आलोक खरे, मनीष खरे जैसे कई शासक के प्रति ईमानदार, निष्पक्ष, कुशल एवं योग्य अधिकारियों को रास्ते से हटाकर रास्ता साफ करने की निरंतर कोशिश, जिसका भुगतान पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात भी कर रहा है। साथ ही गुजरात में आगामी चुनाव को भी यह इन्फेक्टेड करने की कोशिष की जा रही है, लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे आखिर कौन? दबी जबान से सुनने में आया है कि धार में एसडीएम और तहसीलदार पर हुआ हमला एक बड़ी साजिश थी, जिसके बाद षड्यंत्र पूर्वक संजय तिवारी एवं यशवंत धनोरा को पद से हटा दिया गया। अब जानकारी में आया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के खास जय सिंघानिया एंड पार्टी को एक्टिव करने की रणनीति आज हो न हो जग जाहिर हो रही है, लेकिन शायद ये बात विभाग में बैठी बीए पास मैडम दीपाली रस्तोगी को या तो समझ आ नहीं रही या फिर वे समझना चाहती ही नहीं है। गौरतलब है कि राजधानी लाइव लगातार और बार बार इस मुद्दे पर सरकार के साथ साथ विभाग में बैठे आला अफसरों को भी अवगत कर रहे हैं, लेकिन धड़ल्ले के चलते नशे के कारोबार ने सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारियों और विभाग में बैठे अपात्र अधिकारियों को पैसों की छाव में अपने नापाक इरादों को पनाह दिलाने का काम किया है।